क्रिकेट के गलियारों में इस वक्त जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि रोहित शर्मा क्या भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप 2024 में अगुवाई करते हुए नजर आएंगे या नहीं है नजर आएंगे। अगर रोहित नहीं तो कौन? इन सभी सवालों का सीधा उत्तर रोहित शर्मा से मिल चुका है, वो भी कहां, जब भारतीय टीम की प्रेस वार्ता में रोहित शर्मा पहले टेस्ट से पहले उपलब्ध थे, वहीं पर सीधे रिपोर्टरों ने तीखा सवाल रोहित शर्मा से पूछा, सीधा सवाल पूछा, जिसका उन्होंने गोल मटोल तो उत्तर दिया लेकिन संकेत भी बातों बातों में दे दिया, खुलकर बात नहीं की, सीधे तौर पे मोहर नहीं लगाया, लेकिन यह बता दिया कि कब आपको पता चल जाएगा कि कौन कप्तान होगा T20 वर्ल्ड कप का, और उससे भी बड़ी बात अपना फ्यूचर प्लान भी बता दिया। यह बता दिया कि जिन फॉर्मेट से मैंने संन्यास नहीं लिया है तो आप मानकर चलिए उस फॉर्मेट को मैं उतने दिनों तक खेलने वाला हूं। तो साफ संकेत मिल चुके हैं और हम उन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि रोहित शर्मा ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा अपने फ्यूचर प्लान को लेकर, T20 वर्ल्ड कप 2024 की कप्तानी को लेकर। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे लेकिन कुछ समय जरूर मांगेंगे कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। अब आते हैं पहले सवाल पर जो रोहित शर्मा से पूछा गया कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है। सिर्फ आपकी ही नहीं, सीनियरों की क्या प्लानिंग है, यानी कि विराट कोहली के ऊपर भी सीधा सवाल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इस बात को थोड़ा सा घुमाया, सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे पता है, आप मुझसे जो कबुलवाना चाहते हैं, उगलवाना चाहते हैं वो मुझे पता है, लेकिन इस बात की पुष्टि मैं यहां पर नहीं करने वाला हूं, लेकिन आपको ये बताते चलता हूं कि आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का कमान कौन थामेगा, मैं उपलब्ध रहूंगा या नहीं रहूंगा, सीनियर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, और ये भी बताया कि फ्यूचर प्लान क्या है उनका। तो ये जो कुछ दिनों का उन्होंने संकेत दिया है, यहां पर यह तय हो चुका है कि अफगानिस्तान खिलाफ जो भारतीय टीम की T20 श्रृंखला होने वाली है वहां पर जो स्क्वाड चुना जाएगा वहीं पर निर्धारित हो जाएगा कि भारतीय टीम के सीनियरों का भविष्य क्या है, क्या रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में पहले खेलते हुए भी नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, अगर खेलेंगे तो भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहां पर हार्दिक वर्सेस रोहित के बीच सीधे जंग है, जिसको भी बीसीसीआई कप्तान नियुक्त करेगा हार्दिक और रोहित के बीच वही अगुवाई करता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से रोहित ने उत्तर दिया है कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं जब तक तीनों फॉर्मेट खेल रहा हूं तब तक तीनों फॉर्मेट खेलता हुआ नजर आऊंगा, तो भैया ये साफ संकेत है कि अगर रोहित खेले तो वही कप्तान होंगे और वही T20 वर्ल्ड कप 2024 में अगुवाई करेंगे। हालांकि पुष्टि नहीं की है मगर ये बता दिया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 श्रृंखला है वहां पे सब कुछ तय हो जाएगा, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपकी आतुरता भी शांत हो जाएगी। वहीं दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आप कब तक क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं अपने आप को, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, यहां पर कोई भी टाल मटोल नहीं की, कहा कि 2 साल और, यानी कि 2025 तक वो अपने आप को बतौर बल्लेबाज क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उनके क्रिकेटिंग कैरियर का अंत है, मतलब 2024 का वो T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। यहां पर तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि जो फॉर्मेट अभी वो खेल रहे हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे, जिन जिन फॉर्मेटों से उन्होंने संन्यास नहीं लिया है उन फॉर्मेटों को वो 2 साल बतौर बल्लेबाज जरूर खेल सकते हैं, वहां पर कोई संशय नहीं है, और 2025 के बाद शायद वो अपने क्रिकेटिंग कैरियर पर विराम भी लगा सकते हैं। तो ये जो दो बड़े सवाल पूछे गए उनसे ये साफ जाहिर होता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन कप्तानी करेगा ये हमें अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला में तय हो जाएगा, और विराट कोहली रोहित शर्मा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपने क्रिकेटिंग कैरियर पर आराम लगा सकते हैं। तो ये स्पष्ट यहां से हुआ, हालांकि अपने अंदाज में ही रोहित ने जवाब दिया, खुलकर जवाब नहीं दिया, तो हमें अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला तक जरूर इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।